ओम शांति। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। मुझसे चारों एनर्जी फैल रही है। इस एनर्जी के आधार से ही ये देह चलता है। मुझ आत्मा में तीन विशेष शक्तियां समाहित हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है पावर ऑफ थॉट, नेचर ऑफ माइंड इज थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। बुद्धि विवेक शक्ति है, पावर ऑफ विजडम। इसमें हम ज्ञान भर रहे हैं, एक भरते हैं। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जो ज्ञान है किताबों का वो बुद्धि में भरता जाता है। तो बुद्धि विवेक शक्ति है, और जो हमारे कर्मों के आधार से संस्कार बन जाते, आदतें बन जाती हैं, वो तीसरी चीजें हैं। तो संस्कार तो भिन्न भिन्न हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों शक्तियां मेरे अंदर हैं। मुझे अपने मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को डिवाइन करना है। इसके लिए परमपिता से बुद्धि का योग लगाना परम आवश्यक है। जैसे संसारिक फादर से हमारी बुद्धि लगी हुई है, हम उसको पहचानते हैं, उसको याद करते हैं, उसको सहयोग करते हैं, वो हमें सहयोग करते हैं। हमारा निराकार परमपिता भी हमें बहुत सहयोग देते हैं, हमारी केयर करते हैं। वो प्यार का सागर है, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। बस हम उनसे जुड़े, मन केवल उसे याद करते हैं, पर उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। हमें बुद्धि की तार, मन की तार उनसे जोड़नी है। जब ये तारे हमारी उनसे जुड़ जाएगी, तब हम श्रेष्ठ योगी बन जाते हैं। इसको ही राजयोग कहते हैं। इस राजयोग से परमात्मा शक्तियां हम में प्रवेश करने लगती हैं। तो हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है तो सर्वशक्तिवान से अपनी बुद्धि को लगा देना है, मन में उसके लिए चिंतन करना है, तो हमारा योग बिल्कुल सहज हो जाएगा। ये सहज योग है। फील करें कुछ क्षणों के लिए परमपिता से शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। ओम शांति।